आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ऑप्शन इज द रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस एट एनोड। ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी रिडक्शन, ऑप्शन सी डिसोसिएशन एंड ऑप्शन डी इज आयनाइजेशन। तो जो हमारी सबसे पहले जो एनोड होती है, एनोड जो होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है। अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है। जो एनोड होता है इस पर क्या होता है, हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जो कैथोड होती है वो हमारी पॉजिटिव चार्ज होती है, तो उस पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो अगर हम देखें ऑप्शन फर्स्ट को, जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग जो होता है वो होता है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें रिडक्शन, तो जो रिडक्शन का मीनिंग होता है वो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन का मीनिंग होता है जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो स्प्लिट हो जाता है हमारा आयंस में या फिर एटम में। मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू आयंस और एटम्स। और जो आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन का मीनिंग होता है जब हमारा कोई एटम होता है वो आयनाइज हो जाता है, मतलब कि या तो उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी वजह से वो आयन फॉर्म कर लेता है। व्हेन एन एटम बिकम आयोनाइज्ड बिकॉज इट लूजेस और गेन एन इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम इन ऑप्शंस में देखें, जो एनोड है, एनोड हमारी नेगेटिव चार्ज होती है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीडेशन का मीनिंग भी यही होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।